नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी ना दोस्तों हम लोग ना पूजा वगैरह नहीं कर रहे, क्योंकि पूजा पाठ अभी हम लोग को करना नहीं है। अभी पितृपक्ष चलता है ना, तो हम लोग पितृदेवता को हम लोग जल मतलब देते हैं, मतलब आदमी लोग ही जल देते हैं। तो ये देखिए लोटा में काला तिल वगैरह फूल सफ़ेद मिल जाए, मतलब जो भी रहता है सब डाल के अगरबत्ती वगैरबत्ती जला के और प्रणाम कर लिया जाता है पितृदेवता का। तो ये ना हम लोग औरतें नहीं देखते हैं, हम लोग में नियम रहता है। तो अभी सारे कपड़े वगैरह धो के मैं डाल दी हूँ, और मेरा मिट्ठू अभी नहीं नहाया है, मिट्ठू भी नहा लिया है शायद। और ये देखिए लोटा में क्या क्या है। तो आज मैं सब पर्सनल बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा मिट्ठू भी नहाने के लिए शायद यह नहा लिया है और नहा के यहाँ पे है। और एकदम सुबह सुबह का टाइम है, शायद मैंने भी नहा लिया था, तो पूजा पाठ करना नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कैसा। तो मतलब कि इसके बाद हम लोग का मतलब सब जिसका जिसका तिथि रहता है ना, उसी टाइप से किया जाता है। तो हम लोग का 5 दिन का तिथि रहता है, तो हम लोग का 5वां दिन आज है, तो आज अच्छे से कर रहे हैं। और उसके बाद मैं ना सब्जी बनाने लगी थी, और कुकर मेरा ख़राब हो गया था। आप लोग पहले भी देखे थे मेरा कुकर, मतलब कि गैस नहीं लीक रहा था और फेंक दे रहा था, आप लोग देखे ही थे, तो बहुत दिक्कत हो जा रहा था। तो मैंने कुकर को भी बनवाने दे दिया है। तो आलू को उबालना था, तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और देख रही थी, चेक कर रही थी कि आलू उबला है कि नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा था ना, तो काट काट के धो के कट करके तब डाला है। और सब तैयारी कर लिए कि फटाक से आलू उबलेगा तो सब्जी बना दूंगी सोया बड़ी का। और यहाँ पे देखिए मसाले भी मैंने निकाले हैं, 2-4 जो मसाले रहते हैं, तो जो सब्जी मसाले रहते हैं, जीरा गोलकी धनिया प्याज कट कर लिया। सोया बड़ी को मैंने पानी में डाल के रख दिया, ठंडे पानी में ही, गर्म पानी में नहीं डाला। और इसे निचोड़ निचोड़ के 2-4 पानी धो दूंगी तब अच्छा लगता है, नहीं तो स्मेल टाइप का आ जाता है, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं आता है, एकदम अच्छा फ्रेश रहता है। और इसे फिर बाद में फ्राई करूँगी, तो एकदम मुलायम भी हो जाता है और गैस की भी बचत हो जाती है। तो आज ना दोस्तों मैंने सारी अपनी पर्सनल चीज़ें दिखा दी हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो नहीं बनाया जाता है पितृपक्ष वगैरह का। तो फिर मैंने थोड़ा सा आप लोग साथ शेयर किया, ज़्यादा नहीं किया है। और बस घर खर्च ये वगैरह ना सब मैनेज कर सबको मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ मेरी सोया बड़ी पहले मैं डाल दे रही हूँ, अब उसके बाद मैं पहले सोया बड़ी को ही मैं फ्राई करूँगी अच्छे तरह से। और आलू मेरा उबल गया था, तो आलू को मैं ना ये क्या बोलते हैं ये अभी कट करूँगी और सोया बड़ी को अच्छे से फ्राई करूँगी। और सोया बड़ी की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है और सेहतमंद भी रहती है, क्योंकि मतलब खाना चाहिए सोया बड़ी की सब्ज़ी कभी कभी, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि और सब्ज़ी रहता है तो वही बना देती हूँ, सोया बड़ी धरा ही रह जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने अभी पीस के तैयार कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था तो अभी मैंने तैयार करके उसमें डाल दिया है, मिला दिया है और पानी डाल के छोड़ दिया है उसमें, तब तक मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और सोया बड़ी का कलर चेंज हो जाता है। और उसमें नमक डाल के फ्राई करिए ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और मॉर्निंग का सारा काम मैं करके तब जाके वीडियो बना रही थी, मतलब मॉर्निंग का झाड़ू पोछा किचन साफ जो भी किचन उचन रहता है सारा साफ करके, जो 2-4 बर्तन रहते सब कुछ कर। यहाँ पे ना मैं अच्छे से सोया बड़ी को भून फ्राई करके रख ली थी, तो फिर प्याज मैंने 2 डाला था, तो 2 को मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। इसमें हरी मिर्च भी डाला था, ये देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया, कलर भी अच्छा लग रहा है। और इसमें नमक डाल दीजिए ना और खाइए, ऐसे भी तो अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे लोग तो ऐसे भी खा जाते हैं, और बच्चे क्या ये भी खा जाते हैं। और बस ये देखिए सारा कुछ मैं तैयारी करके तब जाके, आलू वगैरह भी उबलने में थोड़ा टाइम लग गया था, तब तक मैंने चाय बना के पी लिया दोस्तों। और बस यहाँ पे सब्जी फटाफट से बन जाएगा, तो रोटी चावल जो बनाना होगा बनाऊँगी, चावल भी बनाऊँगी, लेकिन मतलब अभी फ़िलहाल तो रोटी ही बनेगा। सोया बड़ी की सब्ज़ी के साथ जो बच्चे लोगों को खाने का मन करेगा वही बनाऊँगी, और जो वो लोग बोलते हैं ना वही बनाती हूँ, वही उन लोगों को पसंद भी आता है। तो यहाँ मसाले अच्छे तरह से भून जाएंगे, जब तेल छोड़ने लगेगा ना तब मैं डालूँगी आलू वगैरह जो डालना होगा सब कुछ। तो यहाँ टमाटर डाल दे रही हूँ कि तब तक टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए प्यूरी।
यहाँ पे ना दोस्तों मेरी सब्जी तैयार हो गई थी, फिर मैं इस थाली लगा दे रही हूँ। तो थाली में देखिए आलू सोया बड़ी की सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है, बहुत अच्छा बना था। और ज़्यादा दिनों के बाद भी बनाया था फिर भी बहुत अच्छा लगा था। और मैंने बनाया गर्मा गर्म पराठा, क्योंकि बच्चे लोग को पराठा ही खाने का मन था इस सब्जी के साथ। ऐसे रोटी भी बहुत अच्छा लगता है, रोटी पूड़ी कुछ भी खाइए बहुत अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे फिर ना मतलब आइसक्रीम सब लोगों ने खाया, तो फिर मैं भी आइसक्रीम खाई। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि हालत ख़राब हो जा रहा है। और फिर खाने में ना सिंपल सा बना, जैसे कि सोया बड़ी सब्जी बना था तो चावल मतलब सब कोई बोलने लगे कि, और मैं भिंडी की थोड़ी सी भुजिया भिंडी भी बनाई थी, भिंडी की भुजिया। और ये देखिए भिंडी कट कर लिया, क्योंकि भिंडी भी सबको अच्छा लगता है, तो बस मैं बना ले रही हूँ फटाफट से भिंडी। और उसके बाद मैं बनाऊंगी सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ। तो सब लोग ने बोला कि सोया बड़ी की सब्जी के खाया तो सबका पेट भरा भरा लग रहा था, तो खिचड़ी ही बना दो। तो पहले मैंने भिंडी बना दिया, तो सोचा दाल चावल भिंडी की भुजिया अच्छे से हो जाएगी, तो सब लोगों ने दाल चावल मना कर दिया। तो फिर बोले चलो ठीक है। और दाल चावल बन भी नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि मेरा कुकर ख़राब था, तो मैं कैसे बनाती, क्योंकि कुकर में ही दाल बनेगा और पतीले वगैरह में तो बनाते बनाते आज से कल हो जाएगा, फिर भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी भिंडी बन मतलब मैंने छौंक दी है, तेल वगैरह डाल के, हरी मिर्च जीरा सब डाल के छौंक दिया है। और बस अब ना ये देखिए, और उसके बाद फिर मैं खिचड़ी चढ़ा दूँगी, और उसके बाद खिचड़ी भी बनेगा और पतीले में ही बनेगा खिचड़ी, क्योंकि कुकर तो है नहीं, नहीं तो कुकर में ही बन जाता। और इतना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा इधर लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी इधर हो गई है, क्योंकि बारिश ना उधर रोज़ हो रहा था तो ठंड ठंड जैसा लग रहा था। देखिए मेरा मिट्टू ना, इसका पैर में चोट लग गया था इसलिए पैर ऊपर करके ही रहता है और यहीं पे बैठा हुआ रहता है, मतलब उसको पिंजरा में नहीं। तो यहाँ पे ना दोस्तों आजकल इतना ज़्यादा कड़ा धूप हो रहा ना कि पूछो मत, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है और हालत देख रहे हो आप लोग, तो इसलिए कुछ हल्का फुल्का ही मतलब खाने पीने का मन करेगा। तो देखिए ये हल्का फुल्का खिचड़ी भी बन रहा है और ये पतीले में बन रहा है, क्योंकि कुकर तो ख़राब है इसीलिए। और कुकर कब तक ठीक होगा, एक दो दिन लगेगा, मतलब ज़्यादा ही उसमें गैस उस नहीं हो रहा था, लीक हो रहा था इसीलिए। तो खिचड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। और आज शनिवार शायद था या रविवार था पता नहीं, लेकिन ये क्या बोलते हैं शनिवार ही शायद था, उसके अगले दिन रविवार था। तो फिर ये देखिए शनिवार को हम लोग खिचड़ी ऐसे भी खाया जाता है, ग्रह वरह कट जाता है, तो इसीलिए खिचड़ी बना था। और इसके साथ वही सब्जी वगैरह था ही, तो मैंने चोखा वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, मुझे ये इसमें तड़का लगाना था तो मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मिर्ची फिर यहाँ पे मैंने रख के, मिर्ची का मतलब कि आया था प्लास्टिक में ही था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे भर देते हैं डब्बे में और काम भी हो जाएगा, डब्बे में भी रखा जाएगा। और फिर तो फिर मैं डब्बे में रख रही हूँ, लेकिन उसको डंटी तोड़ के रख रही हूँ खिचड़ी में, लाल मिर्च का और जीरा और हींग का तड़का लगा दूँगी सिंपल सा। तो यहाँ पे ना अब मतलब थोड़ा सा मैंने तोड़ा, फिर मतलब तोड़ने का मन नहीं किया तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया, मतलब एक एक करके कितना तोड़े। फिर अभी टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा देर के बाद सबके खाने का टाइम हो जाएगा, और ये मैं तोड़ते तोड़ते मुझे टाइम भी लग जाएगा, कम से कम नहीं भी तो 15-10 मिनट तो लग ही जाएगा इसीलिए। तो फिर छोड़ो, अभी बहुत सारा काम रहता है सुबह के टाइम, बाद में मैं कर दूँगी। यार लाल मिर्च है तो लाल सूखी मिर्च मैं ना फ़ोरन डालने के लिए नहीं रखती हूँ, तड़का वगैरह लगाने के लिए रखना पड़ता है इसीलिए। और यहाँ बस गर्मी बहुत बढ़ गई है और मौसम भी इधर का ना बहुत गर्म गर्म हो गया, क्योंकि उधर तो रोज़ बारिश हो रहा था, तो बारिश वाला वीडियो भी ना मैंने लिया था लेकिन अभी डाला नहीं है, तो फिर बाद में मैं डाल दूँगी वो वाला वीडियो, क्योंकि अभी जो जो था ना, अभी कुछ फेस्टिवल आ जाते हैं ना, तो फेस्टिवल का ही वीडियो आदमी डाल देता है इसीलिए। तो अनंत पूजा वगैरह था तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया, और अभी ये था तो इसका वीडियो डाल दे रही हूँ तो इसीलिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक ले जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और उधर हम लोग का नेट वगैरह भी चल नहीं रहा था, तो एक दो दिन वीडियो भी मैंने नहीं डाला,
तो दिक्कत हो गया था क्योंकि नेट ही बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा था और यहाँ का नेट बंद ही था, मतलब सरकार तरफ से ही आया था ऑर्डर, इसीलिए तो वीडियो मैंने नहीं डाला था और इसी कारण। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखिए फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया था मिर्च, क्योंकि आधा से ज़्यादा मैंने तोड़ लिया था, फिर बाद में मैं इसे निकाल के और इसका डंडी तोड़ के उसमें डाल दूँगी, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं था। और डंडी भी देखिए मैंने बहुत सारा निकाल के बिस्तर पर ही रखा है इसीलिए। तो चल बस यहाँ पे मेरा मतलब बहुत सारा काम ये सब ख़त्म हो गया और सबको खाना पीना खिलाओ, बर्तन वर्तन धोओ, किचन क्लीन करो, बस यही सब बचा हुआ है। तो बस चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, कल मिलते हैं। और सपोर्ट करिए आप लोग दोस्तों, और अभी ना बहुत सारे त्यौहार ही त्यौहार आ रहे हैं, तो अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाय बाय।